वेलकम टू कम बैक ओवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर वन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के एक लिए एक न्यू अपडेट लेकर के आया हूं, जो कि है गार्गी पुरस्कार के लिए। और ये जो अपडेट है वो आज ही के दिन 19/12/2022 यानी कि 19 दिसंबर 2022 को सुबह ही मेरे पास आ चुकी थी, लेकिन कुछ रीजन्स की वजह से मैं ये वीडियो सुबह नहीं डाल पाया, तो अब आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो पूरा वीडियो अंत तक अवश्य वॉच करें। देखिए, ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है और इसके लिए जो आवेदन है वो 31 तक करने हैं। पुरस्कार के लिए रुचि नहीं दिखा रही बेटियां, ये इसका एक तरीके से टाइटल दिया गया है। और इसकी जो हेडिंग है वो है 2,51,000 बालिकाओं को मिलना है गार्गी पुरस्कार। 25 दिन में महज 40,000 आवेदन, यानी कि इसके लिए जो आवेदन करने हैं उनमें केवल अभी तक 40,000 छात्राओं ने ही आवेदन किया है, जबकि 2,51,921 छात्राओं को ये जो आवेदन है वो करना है। और उनको 2,51,921 छात्राओं को इनके जो पैसे हैं वो मिलने वाले हैं। जयपुर बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से इस साल 2,51,921 बालिकाओं को गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार के लिए 25 दिन पहले आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की हुई थी, लेकिन अभी तक महज 40,000 बालिकाओं ने ही आवेदन किया है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है, ऐसे में अब अंतिम तिथि में सिर्फ 13 दिन बाकी हैं। अगर यही स्थिति रही तो आवेदन के अभाव में बड़ी संख्या में बालिकाओं का गार्गी पुरस्कार अटक सकता है। इन बालिकाओं में इस साल 2022 की 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 75% या इससे अधिक अंक लाने वाली 63,063 बालिकाओं को, ठीक है, 63,063 तो 10वीं की बालिकाओं को पहली किस्त के रूप में 3,000 रुपये मिलेंगे। इसी साल 2022 की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75% या इससे अधिक अंक लाने वाली 108,292 बालिकाओं को प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपये मिलेंगे। पिछले साल 2021 की 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 90% या इससे अधिक अंक लाने वाली 80,566 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार की दूसरी किस्त भी दी जाएगी। इसमें बालिकाओं को 3,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ये थी आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट। और इसमें ऑनलाइन आवेदन के लिए बालिकाओं का जनाधार नंबर जरूरी। फाउंडेशन के उप सचिव तेजपाल मूड ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर तक शाला दर्पण पोर्टल के जरिए किया जा सकेगा। फाउंडेशन ने ऑफलाइन आवेदन स्वीकार से इनकार कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए बालिकाओं का जनाधार नंबर और जनाधार मेंबर आईडी नंबर अनिवार्य है। पुरस्कार की राशि बालिका के जनाधार नंबर से जुड़े अकाउंट या परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तो अभी तक अगर आप लोगों ने इसके लिए आवेदन नहीं किया है तो जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिए। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को भी ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।